morning, children. Myself, Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 2. So, you are all welcome in today's class. Today's our topic is Kali Megha Pani Di from chapter number 8, part Sankhya 8, and our book name is Rimchen. So, children, today we will solve some question answer of this poem Kali Megha Pani Di. तो बच्चों आज आप और हम मिलकर इस कविता पे आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाना चाहती हूँ। तो बच्चों ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 2 और आपका जो आज का चैप्टर नंबर 8 है उसका जो टॉपिक है वो है काली मेघा पानी दे। तो बच्चों पेज नंबर 38 पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है आज आप और हम मिलकर उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे। तो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न क्या लिखा है, काली मेघा से सभी लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं। जब काले काले मेघा यानी बादल जब आसमान में छा जाते हैं तो उस समय लोग क्या प्रार्थना करते हैं, बारिश होने की करते हैं, क्योंकि बारिश से क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी होता है और सभी को एक नया जीवन मिल जाता है ना, पानी है तो जीवन है। तो बच्चों हम इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार से लिखेंगे, काली मेघा से सभी बारिश करने की प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि काली मेघा धरती पर बरसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, धरती को नया रंग कैसे मिलता है। तो जैसा कि बच्चों आपने और हमने पिछले वीडियो में काली मेघा पोयम पढ़ी थी तो उस समय बताया गया था कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी चारों तरफ मतलब जो बारिश का पानी होता है वो चारों तरफ भर जाता है। तो बारिश के पानी से क्या होता है, हमारी फसलें अच्छी होती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, मोर बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं। मोर ही क्या बच्चों, जितने भी पशु पक्षी प्राणी होते हैं मनुष्य सभी जो है बहुत खुश होती हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो धरती का जो रूप रंग होता है वो बदल जाता है, धरती नई नई सी सुंदर सुंदर सी हमको लगने लगती है। तो इसका उत्तर कैसे होगा बच्चों, बारिश के कारण धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाती है जिससे धरती को एक नया रूप रंग मिल जाता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारिश का पानी कहाँ कहाँ जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा जब कई दिनों तक लगातार बारिश होती है या बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो धरती पे पानी ही पानी हो जाता है। तो जहाँ पर गड्ढे होते हैं पानी अक्सर उनमें भर जाता है। इसके अलावा जब पानी बहुत ज्यादा होता है ना तो बच्चों धरती के नीचे भी पानी जाता है, धरती पानी को सोख लेती है जिससे जमीन में पानी का लेवल भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ जो एक्सेस मात्रा होती है बहुत अधिक पानी होता है वो नदियों में जाता है, नालों में जाता है, ताल तलैया जो भी होते हैं उन सभी में भर जाता है। नेक्स्ट, पानी हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, पानी क्यों आवश्यक बताया गया है और पानी के लिए लोग इतनी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं। देखो बच्चों हमारी वैसे तो बहुत सारी आवश्यकताएं होती है हमारे जीवन की, जैसे रोटी हुआ, कपड़ा हुआ, मकान हुआ है ना, पढ़ाई हुई, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन इन सभी आवश्यकताओं में जो सबसे हमारी मूलभूत जरूरत होती है बच्चों वो होती है पानी। यदि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, क्योंकि इस धरती पर चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। हम बिना खाए पिए तो बच्चों रह सकते हैं लेकिन बिना पानी के हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। पानी नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, इतना जरूरी हमारे लिए पानी होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इस उत्तर को बच्चों आप और हम मिलकर कैसे लिखेंगे,
पानी हमारी जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है। बिना खाए पिए हम रह सकते हैं, पर बिना पानी की हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पानी को इतना ज्यादा आवश्यक बताया गया है। तो बच्चों, इस पोयम को एक बार आप सभी लोग सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखना और लर्न करना, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया है। मुझे आशा है कि आज का जो ये सेशन है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।